हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को आंखों से संबंधित कुछ नए नए अलग अलग तरीके के बीमारियों को दिखाने वाले हैं एंड उसका बेस्ट डायग्नोसिस क्या होगा उस चीज़ को हम दिखाने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए खास करके होने वाले जितने भी ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग इस तरीके का डिजीज देख करके उसको तुरंत डायग्नोस कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर बन रहिएगा। चलिए, हमारे पास जो फर्स्ट केस निकल के आ रहा है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, जो ये माता जी हैं इनकी आँख में हमारा जो नेजुअल एक्रिमल डक्ट होता है NLD, यहाँ पे सिस्ट बन चुका है। अगर इसको आप हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो दर्द नहीं हो रहा है, कोई भी दर्द नहीं था। इस चीज़ को हम डायग्नोस करेंगे कैनालिकुलर सिस्ट। इसका ऑपरेशन ही होता है, ऑपरेशन करके इसको काट के निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो, बच्चा है और इसकी आँख में स्क्विंट है। आप लोग कहोगे कि एक ही आँख में राइट में स्क्विंट है, बट नहीं, लेफ्ट में भी स्क्विंट है, दोनों में स्क्विंट है, ठीक है। तो इसको हम जब कवर ऑन कवर टेस्ट करेंगे तो हमारा फाइनल डायग्नोसिस पता चलेगा। इसको दोनों आँख में अल्टरनेटिव इजोट्रोपिया है, कवर ऑन कवर करने के दौरान हमें पता चल रहा है, जैसा कि अभी आप सभी लोग देख सकते हो। चलिए गाइस, इसी के साथ साथ हम आप सभी लोगों को एक और स्क्विंट का पेशेंट लेकर के आ चुके हैं सामने, जैसा कि अभी आप सभी लोग देख सकते हो। बाबा की आंख में भी स्क्विंट है और एक आंख में नहीं, दोनों आंखों में। जब आप लोग इसको कवर अनकवर टेस्ट करोगे तो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा अल्टरनेटिव एक्जोट्रोपिया, जो आंख है बाहर की तरफ भागी हुई है। और इसी के साथ साथ इसको निस्टेगमस है, और कौन सा निस्टेगमस है, जैर्क निस्टेगमस है। मतलब जितनी स्पीड से आंख अंदर और बाहर जा रही है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं जैर्क निस्टेगमस है। और अभी आप लोग देख सकते हो कवर अनकवर से पता चल रहा है कि इनकी बोथ आई अल्टरनेटिव एक्जोट्रोपिया है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को एक और केस दिखाते हैं हम आप लोगों को। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, बाबा हैं, बाबा की आंख में ए फेकिया है, इनके आंख में कोई भी लेंस अभी प्रेजेंट नहीं है। और इसका स्टेन करके जब हमने देखा तो कॉर्नियल अल्सर निकला, और मिक्स कॉर्नियल अल्सर, इसमें बैक्टीरियल के साथ साथ वायरल भी है और वाल के साथ साथ फंगल भी उठा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम तीनों तरीके का मेडिकेशन यूज करेंगे, इसका हम डायग्नोसिस करेंगे कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। चलिए गाइस, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और न्यू पेशेंट आ चुका है, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो। और ये बच्ची के आँख में, दोनों आँख में ओपेसिटी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, राइट आई में ओपेसिटी है और लेफ्ट आई में थेसिकल बल्ब भी आई है। मतलब बचपन में चोट लगने की वजह से पूरा का पूरा ओपेसिटी बन करके पूरा आँख खराब हो चुका है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ हम जानते हैं कैटरेक्ट के बारे में। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, स्लेट लैम्प का वीडियो है जिसमें एक पेशेंट का कैटरेक्ट सामने से दिख रहा होगा, हल्का सा कैटरेक्ट है। लेकिन इसको हम किस तरीके का कैटरेक्ट डिफाइन करेंगे, इसको हम PPC बोलते हैं, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पोस्टीरियर पोल है वहाँ पे हमारा सेंटर में ही कैटरेक्ट दिख रहा है, इसके लिए हम बोलते हैं पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट PPC। तो अगर आप लोगों ने पहली बार देखा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और मजेदार वीडियो पाने के लिए। इसी के साथ साथ अभी आप सभी लोग देख सकते हो, इन माता जी के आंख में राइट आई में मोतियाबिंद और लेफ्ट आई में थेसिकल बल्ब भी आई है। तो अभी मैं आप लोगों को लेफ्ट आई भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट आई अभी आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा ओपेक हो चुका है, सफ़ेद बन चुका है, यह थेसिकल बल्ब भी आई है। और इसी के साथ साथ आगे हम केस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा अभी आप लोग माता जी को देख सकते हो, इनकी आँख में स्क्विंट है और ये दोनों में नहीं है, केवल एक में है, और ये पैरालिटिक स्क्विंट है, आँख सीधा नहीं हो रही क्योंकि उसमें रोशनी बहुत ही कम है। अगर हम बात करें इस स्क्विंट का नाम, तो राइट आई का इजोट्रोपिया है, यानी आँख अंदर की तरफ भागी हुई है। चलिए गाइस, इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं और अगला डिजीज के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो राइट आई में RAPD की वजह से यहाँ पे जो लेंस है सबलक्सेशन हो चुका है, कैटरेक्ट है और इसी के साथ साथ सबलक्सेशन है, और राइट वाली आँख में इसका थेसिकल बल्ब भी आई है। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेशेंट की तरफ। तो यहाँ पे राइट आई ठीक है, लेफ्ट आई में आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को लगेगा कि थेसिकल बल्ब भी आई है, लेकिन नहीं, एक केवल कॉर्नियल ओपेसिटी का पेशेंट है। इसकी आँख में हमारा डायग्नोसिस करेंगे हम कॉर्नियल ओपेसिटी, इसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बाबा है जिसके आँख में अभी आप लोगों को स्क्विंट का ही वीडियो है, स्क्विंट के बारे में हम बताने वाले हैं। और इसका स्क्विंट है अल्टरनेटिव एक्जोट्रोपिया, मतलब आँख जो है बाहर की तरफ भग रही है, मतलब आउटसाइड में भग रही है। इसके लिए हम इसको डायग्नोस करेंगे बोथ आई अल्टरनेटिव एक्जोट्रोपिया। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, बाय बाय।